किसानों द्वारा दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर प्रदेश के कई मुख्य मार्गों को बंद किया गया है, जिनमें से एक अम्बाला के पास लगता शंभू टोल प्लाजा भी शामिल है। इन मुख्य मार्गों के बंद होने की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं अम्बाला की साइंस इंडस्ट्री को भी पिछले कुछ दिनों में करोड़ों का नुकसान हुआ है। बता दें कि अम्बाला को साइंस इंडस्ट्री का हब भी कहा जाता है और यहां से देश और विदेश में साइंस उपकरणों की सप्लाई की जाती है, लेकिन मुख्य मार्ग बंद होने की वजह से पिछले कई दिनों से ये सप्लाई पूरे तरीके से ठप हो गई है, जिसकी वजह से व्यापारियों को अब तक लगभग 25 से 30 करोड़ का नुकसान हो गया है। साइंस इंडस्ट्री का जितना भी कस्टमर आना है बाहर से, जो भी कस्टमर आना होता है वो सारा आउट ऑफ स्टेट होता है। हिंदुस्तान की कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ से कस्टमर हमारे पास ना आता हो। और आज की पोजिशन ये हो चुकी है कि दिल्ली के रास्ते सारे 200 किलोमीटर का जो सफर था वो 300 किलोमीटर का हो गया, जो 3 घंटे लगते थे वो 6 घंटे हो गए हैं। उनके वाईफाई जो नेट है वर्क नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली से कहते ना कम्युनिकेशन गैप आ रहा है बहुत ज़बरदस्त। और अम्बाला टू दिल्ली जो फ्लाइट है उसका रेट 5,000 से 25 से 30,000 हो गया है। हमें समझ ही नहीं आ रहा हम कैसे काम करें और इसको कैसे जो है अपने लॉसेस को कवर करें, क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। इसमें ऐसी कोई कैलकुलेशन तो नहीं है कि जिससे हम बता सकें कितना लॉस हुआ है, मगर अगर हम अपनी बात भी करें तो आप ये समझ के चलें जो हमारी सेल्स हैं वो 50% लेस हैं एक तरह से, और जो मटेरियल जाने भी होते हैं ट्रांसपोर्ट से, कार्गो से, कोरियर से, वो भी टाइमली नहीं जा पा रहे हैं। जो माल 3 दिन में जहाँ पहुँचना होता है तो 2 दिन से पहले तो यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है, तो नेचुरली 3 दिन का माल 6 दिन में पहुँच रहा है। तो हर जगह ही प्रॉब्लम चल रही है, समझ नहीं आ रहा करें क्या। अम्बाला जो साइंस उद्योग है इसमें आप समझ के चलो कि 30,000 आदमी, 30,000 प्लस जो लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं। अम्बाला काफ़ी इफेक्ट होता है इसके अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके अलावा कम से कम 1500 से 2000 इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे छोटी बड़ी जो कि वर्किंग कर रही हैं। जितने भी आसपास का जो विलेज एरिया है वो सारी छोटी इंडस्ट्री हैं, वो ग्लासवेयर मैकेनिकल से लेके हर चीज़ वहाँ बनती है, मगर इफेक्टिव सब लोग हो रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल्स का टाइम चल रहा है स्कूल्स का। कहीं जगह स्कूल ही बंद कर दिए सरकार ने, तो सेकेंड ऑप्शन तो कोई बनती नहीं है। वही व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी समस्याओं का जल्द से निवारण किया जाए, जो समस्याएं उन्हें आ रही हैं उस पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।